रिफ्रेक्शन थ्रू प्लेन ग्लास स्लैब। अब प्लेन ग्लास स्लैब से अगर अपन रिफ्रेक्शन की बातें करें तो क्वेश्चन ये उठता है कि रिफ्रेक्शन होता भी है कि नहीं होता, देखते हैं इस वीडियो में। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकालते हैं, उसके फैक्टर्स देखते हैं, वो भी 5 मिनट के अंदर। जब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन कहता है कि लाइट रे की बेंडिंग की बात करता है, कि भाई लाइट सीधी जा रही थी, मीडियम चेंज हुआ तो बेंड हो गई। अगर अपन प्लेन ग्लास स्लैब को देखें तो ये अपने पास हो गई इंसिडेंट रे। अगर इंसिडेंट रे अगर एयर से ग्लास में जा रही है, ऑब्वियसली रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ये अपने पाथ से बेंड हो जाएगी। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, क्योंकि ये दोनों सरफेसेस प्लेन है। यार एक बात बताओ, अगर दोनों प्लेन है तो जब एयर से ग्लास में जा रहे थे तो जितना बेंड हो गए, जब आप ग्लास से एयर में जाओगे तो उतना ही तो अवे बैंड हो जाओगे ना नॉर्मल से। इसीलिए जो इंसिडेंट रे होती है और जो इमर्जेंट रे होती है, ये आपस में क्या हो जाती है, ये पैरेलल हो जाती है। तो अब जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में जा रही है ना, सिर्फ शिफ्ट हुई, तो रिफ्रैक्शन कैसे कहें। तो एज अ होल यहां पर रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, मगर यहां एक सरफेस पर देखें तो रिफ्रैक्शन हुआ। बट एज अ होल जिस डायरेक्शन में जा रही थी, आज भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। बस ये था, पहले गोली सर पे मारी थी, अब पेट में जाके लग गई वो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हुआ। अब ये जो पैरेलल शिफ्ट हुआ है, इसे ही अपन कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये इतना शिफ्ट हो गया, अब ये मुझे कैलकुलेट करना है। और ये मेरे पास है सिंपल सा प्लेन ग्लास स्लैब का डायग्राम। इंसिडेंट रे नॉर्मल, बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, देन अगेन गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे। और ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है बेसिकली वो आई के बराबर ही होता है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। कहानी इतनी सी है, मगर डेरिवेशन में जाने के पहले अगर बाबा जी की बूटी नहीं ली तो किस काम का। तो चलिए चलते हैं बाबा जी की बूटी सेक्शन में। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। बाबा जी की बूटी क्या कह रही है, आपको क्या निकाल कर लाना है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अगर यहां पर ये आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यानी ये ट्राइंगल ढूंढना है। बस एक ट्राइंगल आपके पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट का आ गया। जैसे ही आपके पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट का ट्राइंगल आया, ये एंगल कोई बताएगा कि क्या होता है, ये एंगल पूरा का पूरा आई था, तो ये इंसिडेंट रे तो है, तो ये आई हो गया, इसमें से आर चला गया, तो बचेगा आई माइनस आर, तो ये एंगल आ जाएगा आपके पास आई माइनस आर। अब इस ट्राइंगल में आप सबसे पहले क्या बोला है मैंने बूटी में, फाइंड वन ट्राइंगल फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब आप जब ये ट्राइंगल देखोगे तो आपको ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये जो डिस्टेंस है बी से लेके सी तक की, ये आपको नहीं पता, मगर बी से लेके ये डिस्टेंस, ये डी पॉइंट अगर अपन मान ले, या ई या एफ जो भी नाम दे, ये डिस्टेंस तो अपन निकाल ही नहीं पाएंगे कभी। इसीलिए इट इज बेटर कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ऐसा लो जिसमें ये दोनों डिस्टेंसेज आ जाएं। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि ये बी से लेके सी तक की लेंथ भी तुम नहीं निकाल पाओगे, तो तुम इस नॉर्मल को आगे बढ़ा दोगे और ये ट्राइंगल यूज करके इस BC लेंथ को निकाल दोगे, डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। और यही दो पॉइंट हैं। मैं कहता हूं ना, डेरिवेशन एक्चुअली में बहुत बड़ा नहीं होता, एक या दो छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं, ये दो पॉइंट हैं, बस कहानी खत्म, कर देते हैं डेरिवेशन को खत्म। देखो भाई, ये आ गया आपके पास बेहतरीन इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल क्या होगा, तो आई माइनस आर, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे तो ये थी, इतने से बैंड हो गई, और ये आर है, तो पूरा एंगल आई, इसमें से ये चला गया आर, तो बचा आई माइनस आर। हमको निकालना है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये ट्राइंगल अपन ने ले लिया ये ट्राइंगल, एंगल क्या है आई माइनस आर, एंगल के सामने वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर। हमें बीसी के साथ रिलेशन चाहिए, मैंने बताया बीई के साथ नहीं निकाल पाएंगे, क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये तो हवा में है, कैसे निकालोगे, थ्योरेटिकली तो दिख रहा है, प्रैक्टिकली नहीं दिख पाएगा। तो अपन ने कहा क्या, साइन आई माइनस आर इस ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर हो गया अपने पास सीई, और ये हो गया हाइपोटन्यूज बीसी, तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे, सीई अपॉन बीसी। अब ये जो सीई है, यही तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, तो मैंने लिख दिया C को लेटरल डिस्प्लेसमेंट, BC को इधर ले आया, तो ये हो गया डेल्टा इज इक्वल टू BC साइन आई माइनस आर। अब जैसे ये BC साइन आई माइनस आर हुआ, मैंने कहा भाई मुझे BC तो नहीं पता, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर को आगे तक बढ़ा लिया। अब ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये है अपने पास R, हमें स्लैब की क्या पता होगी थिकनेस, तो हमने कहा भाई हमें स्लैब की थिकनेस पता है, हमें क्या निकाल कर लाना है, BC इन टर्म्स ऑफ थिकनेस, क्योंकि बाहर से तो हम वही मेजर कर सकते हैं। तो हमने इस ट्राइंगल में, अब ये परपेंडिकुलर है, इसका तो कोई यूज है नहीं, ये क्या है अपने पास बेस इस ट्राइंगल में, तो बेस थिकनेस है,
बहुत बढ़िया। और हाइपोटन्यूज निकालना है, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज क्या होता है, कॉस। तो भैया इस ट्राइंगल में आ जाओ, BCF में कॉस आर की वैल्यू हो गई क्या, B से लेके F, BF डिवाइडेड बाय BC। सो ये हो गया अपने पास BF डिवाइडेड बाय BC, BC की वैल्यू चाहिए थी इधर आ गया, और जो BF है बेसिकली वो थिकनेस है अपने पास, यहां रख दिया। BC की वैल्यू उठाओ और इस इक्वेशन 1 में रख दो, आपके पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ चुका है T sin I minus R upon cos R, खत्म। ये उठाया BC, यहां पर रख दिया, आंसर आपके सामने है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया, 5 मिनट के अंदर। अब अगर अपन देखें तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, थिकनेस पे डिपेंड कर रहा है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड कर रहा है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, ज्यादा म्यू होगा तो ज्यादा बेंडिंग होगी। तो अगर अपन देखें तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड कर रहा है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी, उतना ज्यादा अपने पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंगल ऑफ इंसिडेंस के, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे, आई बढ़ेगा तो ऑब्वियसली अपने पास जो साइन आई माइनस आर है उसके कारण अपने पास डेल्टा भी बढ़ता चला जाएगा। और अगर इस चीज को मैं दिखाऊं तुम्हें तो ये देखो अपने पास फॉर्मूला क्या है, अपने पास फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन मिल सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू आई की क्या कर सकते हो, 90। तो अगर मैं आई की वैल्यू मैक्सिमम 90 कर दूं, यहां रख दूं, तो साइन 90 माइनस आर हो जाएगा, कॉस आर से कॉस आर कैंसिल, मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है थिकनेस के बराबर। एमसीक्यू का क्वेश्चन है, काम का क्वेश्चन है। सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस, सबसे ज्यादा कब होगा, तो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता था 90 डिग्री, रख दो, डेल्टा की वैल्यू आ गई थिकनेस के बराबर। इसके बाद अपने पास आता है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। अगर आपने पतला लिया, थिन लिया, थिन के केस में यह है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट, थिक होगा तो ये ज्यादा ट्रेवल करेगी, ज्यादा ट्रेवल करेगी तो आपकी थिकनेस के कारण यहां पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया। तो तीन सिंपल से पैरामीटर बताए हैं मैंने आपको, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कलर पे भी अपन बोल सकते हैं कि ये डिपेंड करेगा। सो आपकी प्लेन ग्लास स्लैब का डेरिवेशन भी हो गया, फैक्टर्स भी हो गए, सीधी बात, नो बकवास, मार्क्स तो आएंगे, मार्क्स के पापा को भी आना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन बात करेंगे क्रिटिकल एंगल TIR की। इस वीडियो में तो बाबा जी की तरफ से इतना ही, जय हो।